पांच साइन कि आप इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप कोई क्रेजी नहीं हो रहे हैं, ये जो भी आपके साथ हो रहा है ये एक्चुअली आपके साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस हो रहा है। आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर रहे हैं कि ये जो चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, बट माइंड इट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट है जो इंसान की लाइफ में सिर्फ एक बार होती है। और एक बार अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए तो फिर ये ज़िंदगी इतनी ब्यूटीफुल लगती है। आपके पास एक ऐसा दोस्त होता है, आपका इंट्यूशन ऐसा स्ट्रांग होता है, आपके पास गाइड ऐसा मिलता है कि आपके लिए ये ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको चाहिए या ज़िंदगी को जीने में जो भी आपकी इच्छा है वो आराम से आ जाती है। बहुत रेस्टेड, पीसफुल और बहुत ही खुशनुमा फील करते हैं ज़िंदगी को जीने में। तो जब जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे वो इन पांच चीज़ों को ज़रूर नोटिस करेंगे उनके साथ हो रहा है। तो अगर ये जो भी मैं पांच चीज़ बताने वाली हूँ उसमें से एक या एक से ज़्यादा आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर आ चुके हैं। और इस वक्त डर के, घबरा के अगर भाग जाएंगे या शट डाउन कर देंगे तो आपका ईगो जीतेगा और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी हार जाएगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में ईगो पे ध्यान नहीं देना है जो आपको डराता है, जो आपको परेशान करता है, जो आपको फियरफुल बनाता है। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अनफोल्ड होने देना है। तो ये जो पांच साइन बताने वाली हूँ ये हर कोई गुजरता है इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में। तो सबसे पहला और बहुत इजीली इंसान नोटिस कर लेता है जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरता है इस फिजिकल चेंज। इंसान अपनी बॉडी में और अपने चेहरे में एक चेंज नोटिस करता है जो पहले नहीं थी। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरी नोज़ का शेप चेंज हो गया जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरी। कुछ लोग वेट चेंज कर लेते हैं, यानी बहुत मोटे हैं तो पतले हो जाते हैं, बहुत पतले हैं तो उनका वेट बेटर हो जाता है। कोई ना कोई बॉडी में चेंज ज़रूर नोटिस करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो होनी होनी है सबके साथ, वो है उनकी आँखों की चमक। जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरते हो तो आप देखोगे आपके आँखों की चमक बेटर हो गई। इनफैक्ट अब जब मिरर में देखोगे खुद को तो फील होगा कि आपकी आईज़ अब डिफरेंट है जो पहले नहीं दिखती थी। आपकी आईज़ की शायद शेप भी चेंज हो सकती है और आपकी आईज़ कि पुतलियों की चमक डिफरेंट होगी, जो बाकी लोग भी नोटिस करेंगे कि तुम्हारी आँख डिफरेंट क्यों दिख रही है पहले से। मुझे हर बार ये सुनने को मिलता था कि रेवती क्या आईज़ में कुछ ड्रॉप डालियो, क्या डालियो, वाई योर आईज़ लुक डिफरेंट, मेरे घर वाले पूछते थे। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया और पाया कि ये तो एक पहला साइन है आपकी फिजिकल चेंजेस में। आप नोटिस करोगे कि आपके शरीर में कोई चेंज हो रहा है बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। सेकेंड चेंज आती है वो होती है पर्सनैलिटी चेंज। आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ, ये बहुत लंबी जर्नी है, एक दिन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी तो एक बहुत लंबी जर्नी के बाद वो एंड मुकाम तक आती है जहाँ पे आप इंट्यूटिव हो जाते हो, जहाँ पे आपको समझ में आता है, आप डिस्कनेक्ट होके भोक्ता से साक्षी बन जाते हो। आपको समझ में आता है कि ये जो ड्रामा चल रहा है इस दुनिया में ये रियल नहीं है, एंड आप फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन, यूनिवर्सल पावर सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट होना सीख जाते हो। तो सेकेंड है पर्सनैलिटी चेंज। पर्सनैलिटी चेंज में क्या होता है कि जो चीज़ें पहले आपको बहुत पसंद आती होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजरोगे तो देखोगे उन चीज़ों के प्रति उतना रुझान नहीं रह गया है। कुछ लोग इस चीज़ में बहुत परेशान हो जाते हैं कि पहले मैं ये बहुत इंजॉय करती थी, अब मेरी चाहत क्यों बदल गई है या मेरी डिज़ायर्स क्यों बदल गई। यानी मान लीजिए आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाह रहे होगे, लेकिन आप देखोगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आप शायद उस रिश्ते को मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहोगे। और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ क्रेजीनेस हो रहा है मेरे साथ, कुछ वियर्डनेस हो रहा है मेरे साथ, पर सच मानिए
ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इकोइक अटैचमेंट की डेथ हो रही है और आपके स्पिरिचुअल बॉडी की ग्रोथ हो रही है, और इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस। तो अगर आप पहले मान लीजिए कुछ बहुत ज़रूरत था आपके लिए, अब डजेंट मैटर वाली सिचुएशन में आ गई है, या फिर कुछ चीज़ बहुत पसंद थी बट अब पसंद चेंज हो गई है, या फिर पर्सनैलिटी में आप चेंज देख रहे हो, यानी बहुत गुस्सैल थे, बहुत रेस्टलेस रहते थे, बहुत शांत होने लग गए हो, बहुत ठहराव आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुश रहने लग गए हो, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है। तो खुद को कंग्रेचुलेट कीजिए, डरिए नहीं, सेलिब्रेट कीजिए इस पर्सनालिटी चेंज को, क्योंकि इसी लेयर्स के खुलने के बाद आपका ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू नेचर सामने आएगा इस दुनिया के, जो आप खुद से मिलकर फील करोगे कि ओ माय गॉड, खुद से कनेक्ट होने का एक्चुअल फीलिंग क्या फील होती है। तो थर्ड पे आती हूँ, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, आपको लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हर बात, मतलब आपको फील होगा कुछ कि ये क्या हो रहा है सेंसेशन आसपास, या फिर किसी की बातें बहुत ज़्यादा चुभ जाएगी या बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाएगा कोई चीज़। याद रख लीजिए, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये प्रोसेस होता है, ये बेसिकली सेंसिटिवनेस जो आप फील कर रहे हो कहीं ना कहीं, या कुछ जो ट्रिगर हो रही है कहीं ना कहीं, आपको बताया जा रहा है कि आपको इस टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है, या ये पोर्शन हील नहीं हुआ है, या यहाँ पे आपको अभी और काम करना बाकी है। तो ये सेंसिटिवनेस आप फील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन, या फिर सपने बहुत आएंगे आपको, और बहुत ज़्यादा आप रात को सपना देखोगे और सेम टॉपिक पे कोई और बात कर रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करोगे अपने आसपास, दूसरों की एनर्जी फील कर पाओगे, साथ ब साथ आप देखोगे बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हो रहा है आपके मूड में, आपके मूड में भी ट्रिगरिंग शुरू हो जाती है, इन द सेंस कि जहाँ पे ब्लॉकेजेस होंगे आपके, वो अनब्लॉक होने के लिए वो ट्रिगर का होना ज़रूरी, ताकि जो अनहील्ड इमोशन और एनर्जी है वो सरफेस पे आए। तो इसके लिए अगर इस वक्त अगर आप बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं, डोंट स्टॉप द प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, जिसके कारण स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है, उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगी और आप बहुत ज़्यादा रेस्टफुल और हैप्पी फील करोगे। तो आप इस वक्त अगर पर्सनालिटी चेंज, फिजिकल चेंजेस, सेंसिटिवनेस फील कर रहे हैं, तो यू आर ऑन द पाथ। और ज़रूरी नहीं कि आप तीनों फील करेंगे, हो सकता है एक चीज़ फील करोगे, एक चीज़ नहीं फील करोगे, और क्योंकि सेंसिटिव हो रहे हो तो नेक्स्ट जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, विच इज़ कॉल्ड पुराने ट्रॉमा सरफेस होने लग जाएंगे आपके, यानी पहले जो आपने एक्सपीरियंस किया था पास्ट इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करोगे, समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रिगर क्यों हो रहा है, जो आपको लग रहा था उतना कोई बड़ी बात भी नहीं थी, आप देखोगे इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहा है। लेकिन याद रख लीजिए, ये बहुत छोटा सा विंडो होता है इस इमोशनल ट्रांजिशन का, बहुत गुस्सा होगा, बहुत रोना आएगा, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव चूँकि आप हो गए हैं, तो जो अनहील्ड ट्रॉमा है वो परेशान करेगा इमोशंस के रूप में, लेकिन ये विंडो बहुत छोटी है, तो आप देखोगे अपने आप बाहर निकल गए हो इन चीज़ों से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग याद रख लीजिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो ह्यूमन काइंड को सिर्फ एक बार मिलता है, और जो इस एक बार स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाते हैं उनकी लाइफ में एक लाइफ कोच मिल जाता है, उसे एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है, उसे इस लाइफ के उतार चढ़ाव और इस जर्नी में कुछ भी परेशान नहीं करता है, वो बहुत अच्छे से जर्नी कर पाते हैं। तो पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको डेजा वू जैसी सिचुएशंस दिखाई देने लगेंगी। आपका जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा तो आपको लगेगा कि आप जो बोल रहे हो, या फिर आप जो देखे हो, या फिर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपने किसी और लाइफ टाइम में भी किया है, या फिर आप किसी को सलाह दोगे तो आपको लगेगा कि वो आप नहीं बोल रहे हो, कोई दूसरा आपके थ्रू बोल रहा है। चूँकि होता क्या है, जब आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हो तो जो लास्ट पोर्शन होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जहाँ पे आपका ईगो अब उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है कि वो आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल और बाकी चीज़ों से तंग करे आपको, लेकिन पूरी तरह से गायब भी नहीं होता है, तो आप डुअल पर्सनालिटी फील करते हो उस टाइम में। एक तरफ तो आपका ह्यूमननेस भी फील होता है, साथ ब साथ आपका स्पिरिचुअल सेल्फ भी फील होता है, यानी थोड़े टाइम के लिए आपको अपने अंदर का देवता भी नज़र आएगा और आपको अपने अंदर का इंसान भी नज़र आएगा, और आप एक्चुअली डिस्कनेक्ट करके नोटिस करते हो
कि आप इस वक्त जो फील कर रहे हो वो कितना अनरियल है, और फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हो उस फीलिंग से और चूज कर सकते हो वैसी फीलिंग जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो जब ये 5 स्टेजेस अगर आप गुजर चुके हो तो मुबारक हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको पता है कि आप साक्षी हो, भोक्ता नहीं, और आपको पता है कि अब आप जो चाहो, जैसी इमोशन चाहो, उसका सिलेक्शन कर सकते हो। जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हो तो समझ लो एक ऐसे बुफे में जाते हो जहाँ प्लेट आपकी होती है, और आप उस बुफे में परोसे हुए सारे नेगेटिव इमोशन के डिशेस को छोड़कर उस प्लेट पे सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस के डिश समेटते हो, और उस पॉजिटिव इमोशन से भरा हुआ जो डिश होता है वो आपके वाइब्रेशन को इतना ऊपर कर देता है कि अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें आनी शुरू हो जाती है आपकी लाइफ में, बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैनिफेस्टेशन होने लगता है। होपफुली अगर आप इस तरह के सर्कमस्टांसिस से गुजर रहे हैं तो परेशान नहीं हो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो आपको ऊपर वाले ने दी है उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए, इस पूरे प्रोसेस से गुजरिए, क्योंकि उस पार आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर हेल्प की है तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।